Hello, I am Veena Dharasri. I am reading The Betrayal of Faith, Vishwas Ka Tootna, Vishwas Ghat, Betrayal. Belief in an ideal dies hard. किसी आदर्श का जब टूटना होता है तो वो बहुत ही हार्ड होता है, बहुत कठिन होता है. मतलब आदर्श आसानी से नहीं टूटा करते. I had believed in an ideal. मैंने भी एक आदर्श में विश्वास किया था. For all the 28 years of my life, the ideal of British way of life, और मेरा आदर्श था जीवन का ब्रिटिश तरीका. It had sustained, और ये आदर्श बना रहा मेरे साथ when as a youth in a high school of nearly all white students, लगभग सारे जो white students थे, गोरे विद्यार्थी. I had to work harder. मेरे को ज़्यादा कठोर काम करना पड़ता था और रन फास्टर या ज़्यादा तेज भागना पड़ता था. देन दे नीडेड टू डू, जितना कि उनको करना पड़ता था, आवश्यकता थी. इन ऑर्डर टू मेक द ग्रेड, ग्रेड प्राप्त करने के लिए. इट हैड इंस्पायर्ड मी इन माई कॉलेज. इसने मेरे को मेरे कॉलेज में प्रेरित किया. एंड यूनिवर्सिटी ईयर्स, और विश्वविद्यालय के वर्षों में भी ये जो आदर्श था मेरा बना रहा. Ideals were dragged in the dust of disillusionment following the Spanish Civil War. और ये कब तक रहा? जब तक ही Spanish Civil War, गृह युद्ध नहीं हुआ, तब जाकर के इस भ्रम से धूल हटी. Because of it, इसकी वजह से, इस आदर्श की वजह से, I had never sought, मैंने कभी तलाश नहीं किया, to acquire American citizenship, कि अमेरिका की नागरिकता ले लूँ. And when after graduation and 2 years of field work in Venezuela, I came to England for postgraduate study in 1939. I felt that at long last I was personally identified, कि लंबे प्रयास के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से जाना गया, with the hub of fairness, अच्छाई का केंद्र, hub यानी केंद्र, tolerance, सहनशीलता. And all the freedom, सारी स्वतंत्रताएँ. It was therefore without any hesitation, और इसी वजह से बिना किसी हिचकिचाट के, that I volunteered, मैंने स्वयं से voluntarily फैसला किया for service, सेवा करने का, with the Royal Air Force in 1940. Willing, इच्छा करते हुए, and ready to lay down, और मैं तैयार था, तत्पर था lay down करने के लिए, समर्पित कर देने के लिए, न्योछावर कर देने के लिए my life, मेरा जीवन, for the preservation of the ideal, इस आदर्श को बचाने के लिए, which had been my Lord Star, जो कि मेरे लिए Lord Star था, जैसे ध्रुव तारा होता है ना, जिससे अपने को मार्ग दिखता है. तो मेरे लिए ब्रिटिश तरीका, ब्रिटिश जीवन, ब्रिटिश रहन सहन, सारा एक तरह से ध्रुव तारे के समान था. बट नाउ, लेकिन अब, दैट सेल्फ सेम आइडियल, वही स्वयं का आदर्श, वॉज गाल एंड वार्म वुड इन माई माउथ. मेरे को ऐसे लगता है जैसे मेरे मुंह में वार्म वुड रख दिया हो. एक पौधा होता है जहरीला, कड़ुआ, वार्म वुड, जिसको नागदौन का पौधा बोलते, और गाल यानी बुराई. तो ऐसे लगता है गाल एंड वार्म वुड रखा हो मेरे मुंह में, वो आदर्श अब मेरे को बुरा लगता है. द मेजोरिटी ऑफ ब्रिटन एट होम हैव वेरी लिटिल अप्रिसिएशन. ब्रिटन जो, ब्रिटेन के नागरिक हैं, उनके अधिकांश जो है, उनका मेजोरिटी जो है, वो बिल्कुल अप्रिसिएशन जो है लिटिल यानी नक के बराबर, प्रशंसा नहीं करते हैं. किसकी? ऑफ वॉट? दैट इनटेंजिबल, एक तरह से इनटेंजिबल है उनके लिए, उस तरफ हाथ ही नहीं लगाते, अछूत है. येट अमेजिंग, लेकिन फिर भी अमेजिंग, अद्भुत, रियल एंड इनवैल्यूएबल, जो कि वास्तविक है और जिसकी कोई कीमत नहीं है, इनवैल्यूएबल है. एक्सपोर्ट, निर्यात, द ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ, ब्रिटिश तरीका जीवन का, जिसका वो निर्यात, मतलब बाहर जाते हैं, ब्रिटिश चीज़ें जब बाहर निर्यात की जाती है, मीन्स टू कॉलोनियल पीपल. और ये सारी चीज़ें कॉलोनियल लोगों के लिए क्या है? कॉलोनियल यानी उपनिवेश के लोग, जो ब्रिटेन के गुलाम देश सारे हैं, वो सब कॉलोनियल है, उपनिवेश. दे सीम, वे जो कॉलोनियल लोग हैं, ऐसा प्रतीत होता है, टू गिव लिटिल थॉट
टू द फैंटास्टिक फेनोमेनन। फैंटास्टिक फेनोमेनन दोनों का मतलब सेम है कि विचित्र अजीबोगरीब। तो उनके प्रति उनका लिटिल थॉट है, मतलब उनके बारे में सोचते तक नहीं है। ऑफ रेसेज ऐसी नस्लें प्रजातियाँ सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम देमसेल्फ, जो उनसे बिल्कुल ही अलग हैं इन पिगमेंटेशन रंग में, एंड वाइडली स्केटर्ड और बहुत विस्तृत फैली हुई ज्योग्राफिकली भौगोलिक दृष्टि से, एसिड्यूअसली बहुत अधिक परिश्रम करके आइडेंटिफाइंग अपनी पहचान बनाते हुए देमसेल्फ उन सब के बीच में वे लोग। द ब्रिटिश लॉयल्टी, फिर भी उनकी ब्रिटिश स्वामी भक्ति है, वफादारी है, बिलीफ्स उनके ब्रिटिश के प्रति विश्वास हैं, एंड ट्रेडिशंस परंपरा होती। दिस एटीट्यूड, ये जो दृष्टिकोण है किनका, कॉलोनियल का, उपनिवेश के लोगों का, कैन इजीली बी ऑब्जर्व इन द वे इन विच द कलर्ड कॉलोनियल विल कोट, जो कॉलोनियल लोग हैं रंग बिरंगे वो कोट करते हैं, मतलब यू का यू बोलते हैं, द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लॉ, ब्रिटिश के कानून को, एजुकेशन एंड गवर्नमेंट, एंड विल एडॉप्ट और उसको ग्रहण करते हैं फैशंस को भी, इन ड्रेस एंड सोशल कोड्स, इवन दो यहाँ तक कि हिज नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स हैज डिपेंडेड लार्जली ऑन सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, चाहे उनको ये ज्ञान कहीं से भी मिला हो सेकेंड हैंड, फिर भी वो उसको बड़ी निष्ठा से मानते हैं। यस इट इज़ वंडरफुल टू बी ब्रिटिश, ब्रिटिश होना बहुत अद्भुत है, अजीब है, आश्चर्यजनक है, अनटिल वन कम्स टू ब्रिटेन, पर ये कब तक है, जब तक कोई ब्रिटेन आ नहीं जाता। बाय डिंट ऑफ केयरफुल सेविंग, बड़ी सावधानी से बचत के कारण की वजह से, और थ्रू हार्ड वॉन स्कॉलरशिप, या बड़ी मेहनत करके स्कॉलरशिप को प्राप्त करके, मैनी ऑफ देम उनमें से जो कॉलोनियल है उनमें से अराइव आते हैं इन ब्रिटेन टू बी एजुकेटेड इन द आर्ट्स एंड साइंस एंड इन द वेरिड प्रोसेसेस ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट। दे कम वे आते हैं बोल्स्टर्ड बाय ए फर्म, बड़ी मजबूती के साथ, मजबूती के सहारे, कंडीशन बिलीव, बड़ी उनकी एक स्थित किए हुए विश्वास को, दैट ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश कि उनका जो ये स्थित है, उनका एक विश्वास है उनके लोगों के मन में कि जो ब्रिटेन देश है और यहाँ के जो नागरिक है ब्रिटिश हैं, वो स्टैंड फॉर इस बात पर कायम है कि ऑल दैट इज बेस्ट इन बोथ, सबसे बढ़िया है किसमें, क्रिश्चियन में भी एंड डेमोक्रेटिक टर्म्स में भी, यानी प्रजातांत्रिक सिद्धांतों में भी और ईसाइयत में भी सबसे अच्छे हैं, ये मान करके, ये विश्वास के सहारे वे कॉलोनियल लोग ब्रिटेन में आते हैं। इन देयर नेविटी, और उनके भोलेपन में, दे एस्क्राइब, वे श्रेय देते हैं दीज हाई प्रिंसिपल्स, इन बड़े बड़े सिद्धांतों को कि भाई इनकी वजह से हम यहाँ आए हैं ना, टू ऑल ब्रिटन्स, इन सभी नागरिकों को, विदाउट एक्सेप्शन, बिना किसी अपवाद के। आई हैड ग्रोन अप, में बड़ा हुआ था ब्रिटिश इन एवरी वे, हर प्रकार से ब्रिटिश के रूप में, myself, मैं स्वयं, my parents and my parents' parents, none of us, यानी हमारे में से कोई भी नहीं न्यू जानता था और could know या जान सका any other way of living, of thinking, of being, यानी रहने का, सोचने का या होने का कोई और तरीका कभी हम नहीं जान सके। we knew, हम जानते थे, no other cultural pattern, न कोई अन्य सांस्कृतिक पहचान रूपरेखा, and I had never heard, और न मैंने कभी सुना एनी ऑफ माई फोर बियर्स, मेरे पूर्वजों से कंप्लेन, शिकायत अबाउट बींग ब्रिटिश, ब्रिटिश होने से। एज ए बॉय आई वॉज टॉट, बच्चे के रूप में मेरे को पढ़ाया गया टू अप्रिसिएट इंग्लिश लिटरेचर, पोइट्री एंड प्रोज, क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी, यानी कि अंग्रेजी साहित्य, कविताएँ, पद्य, गद्य, क्लासिक, प्राचीन और कंटेम्प्रेरी, समकालीन, ये सारे साहित्य, इन सबको अप्रिसिएट करना, इनकी प्रशंसा करना, इनको ग्रहण करना, इनको सम्मान देना। इट वॉज एब्सोल्युटली नेचुरल, और ये स्पष्ट रूप से स्वाभाविक ही था फॉर मी, मेरे लिए, टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को पहचानूँ विद द ब्रिटिश हीरो ऑफ द एडवेंचर, साहसिक ब्रिटिश हीरो के रूप में, जैसे कि स्टोरीज, कहानियों में, अगेंस्ट द विलन्स ऑफ द
पीस और उन खलनायकों के विरुद्ध हुवर इनवेरिएबली, जो कि बिना बदले बिना चेंज हुए, कौन थे खलनायक, नॉन ब्रिटिश, जो ब्रिटिश नहीं थे। एंड सो और इसी प्रकार से टू माय बॉयस माइंड, मेरे बचपन के दिमाग में मोर इजीली, बहुत ही आसानी से, कैपेबल ऑफ विलेनस कंडक्ट, कि खलनायक पूर्ण व्यवहार जो आचरण होता है उसको मैं आराम से पहचान सकता था कि जो भी ब्रिटिश नहीं है वो सब विलेनस है, वो सब खलनायक है। द मोर सेलेक्टिव रीडिंग ऑफ माई कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइफ, और इससे भी अधिक जो मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई करता था वो मार्क्ड पहचाना जाता था बाय द सेम प्रिडिलेक्शन, इसी झुकाव के साथ, फॉर इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश साहित्य के प्रति। एंड आई डिड नॉट हेजिटेट, और मैं बिल्कुल हिचकिचाया नहीं था टू डिफेंड, बचाव करने के लिए माई प्रिफ्रेंसेज, मेरी प्राथमिकताओं को, कि मैं ब्रिटिश साहित्य को अधिक पढ़ना क्यों पसंद करता हूँ, टू माई अमेरिकन कलीग्स, अमेरिकन साथियों के बीच में। इन फैक्ट वास्तव में ऑल द वाइल इस दौरान इन अमेरिका, जब मैं अमेरिका में था, ऑल द वाइल अमेरिका के दौरान जब मैं अमेरिका में था उस समय, आई विगोरसली रजिस्टर्ड, मैंने बड़े बल के साथ, बड़े दावे के साथ, जोर शोर से विरोध किया था, रजिस्ट किया था, प्रतिरोध किया था एनी क्रिटिसिज्म, किसी भी आलोचना का, ऑफ ब्रिटेन और ब्रिटिश पॉलिसी, जो कि ब्रिटेन या ब्रिटिश पॉलिसी के खिलाफ हो, इवन वेन, यहाँ तक कि इन द प्राइवेसी ऑफ माई ओन रूम, मेरे कमरे में भी, प्राइवेसी में भी। क्लोजर एग्जामिनेशन क्लियरली प्रूव्ड, स्पष्ट साबित किया दी रीजनेबलनेस, औचित्यता ऑफ सच क्रिटिसिज्म, की ऐसी आलोचनाओं की। इट इज पॉसिबल टू मेजर, ये संभव है मापना, विद कंसिडरेबल, विचारणीय तरीके से, एक्यूरेसी, एकदम सही मात्रा में, राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स, कि जो ज्वार भाटा आता है उसका ऊपर उठना और गिरना, उसको हम एक्यूरेटली नाप सकते हैं, माप सकते हैं। और द बिहेवियर इन स्पेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनविजिबल टू द नेक्ड आई, और जो अंतरिक्ष के अंदर जो व्यवहार होता है ऑब्जेक्ट्स का, किसी पिंड का, उसको भी हम हमारी नेक्ड आईज से, बिना किसी यंत्र के, जो नंगी आंखें बोलते हैं उससे, हम इनविजिबल चीज़ों को भी, हम हो सकता है कि हम नाप लें, अनुमान कर लें एक्यूरेट, बट हु कैन मेजर, कौन माप सकता है द डेप्थ ऑफ डिसइल्यूजनमेंट, जो डिसइल्यूजनमेंट है, यानी कि जो स्पष्टता है, जो धोखा टूटता है तो भ्रम हटने के बाद जो स्पष्ट दिखाई देता है उसकी गहराई को कौन माप सकता है। विद इन द समवॉट रिस्ट्रिक्टेड स्फेयर, एक सीमित क्षेत्र में, स्फेयर में, ऑफ एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, कोई शैक्षणिक संस्थान है, द कॉलोनियल स्टूडेंट, एक उपनिवेश का विद्यार्थी, लर्न, सीखता है टू हील, डिबेट, टू पेंट एंड टू थिंक। आउटसाइड दैट, ये सब सीखने के बाद बाहर की दुनिया में, उस संस्थान से बाहर के स्फेयर क्षेत्र में, ही हैज टू मीट, उसका सामना होता है, उसको करना पड़ता है इन डिग्निटीज, डिग्निटी का अपोजिट है यानी कि गरिमा की कमी, एंड रिबप्स, दुत्कारें, फटकारें, इंसल्ट, अपमान, ऐसे इनटॉलरेंस, असहिष्णुता, प्रिजुडिस, पूर्वाग्रह एंड हेट, घृणा, नफरत। आफ्टर क्वालिफिकेशन, योग्यता के बाद, एंड एस्टैब्लिशमेंट, स्थापित खुद को करने के बाद, इन प्रैक्टिस और पोजिशन, द ट्रायल्स एंड सक्सेसेज ऑफ एकेडमिक लाइफ, कि विद्यार्थी जीवन की जो रास्ते हैं, ट्रायल्स हैं, उनमें सफलता मिलने के बाद आर हाफ फॉरगॉटन, आधे हम भूल जाते हैं, इन द हर्ली बर्ली ऑफ लिविंग, जीवन की हर्ली बर्ली में, हड़बड़ी में, आधी परेशानियाँ जो है हम भूल जाते हैं। बट द हर्ट्स आर नॉट सो ईजिली फॉरगॉटन, लेकिन जो चोटें हमको मिलती है उनको हम आसानी से नहीं भूल सकते हैं। टू मैनी इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में, ए निग्रो इज ए डार्की, ए निगर और ए ब्लैक, ही इज आइडेंटिफाइड इन देयर माइंड्स, उन लोगों की नज़र में ऐसे पहचाना जाता है, विद इन एग्जॉस्टिबल, जो एग्जॉस्ट नहीं कर सकता, मतलब इसका अपोजिट है, यानी कि बिना थके, ब्रूड पशु, ऐसा पशु है जिसमें स्ट्रेंथ, इतनी शक्ति है
कि ऐसे पशु वाली ताकत है जो कभी थकता ही नहीं है। एंड ऑफन आई वुड हियर, और अक्सर मैं सुनता द रिमार्क टिप्पणी, वर्किंग लाइक ए निगर, कि क्या निगर की तरह काम करना, लेबरिंग लाइक ए ब्लैक, ब्लैक की तरह मेहनत करते हुए, यूज टू इम्फेसाइज, ये जोर देने के लिए काम में लिया जाता था, सम ओकेजन, कुछ मौक़ों पर, अवसरों पर, और सस्टेंड एफर्ट, जब कोई प्रयास होता, दे एक्सपेक्ट, वे लोग आशा करते ऑफ हिम, उससे, यानी किससे, निगरों से, ए कर्टियस, शिष्टाचारपूर्ण, सबसर्वियंस, आज्ञाकारिता, एंड कंटेंटमेंट, संतुष्टि, विद ए लवली स्टेट, निम्नता से भी नीचे जो हालत है, स्टेट है, और किसकी, मीनियल, यानी कि निकृष्ट, जैसे सबसे अच्छी को उत्कृष्ट बोलते, तो सबसे निम्नतर जो अवस्था है वो है मीनियल, निकृष्ट, एम्प्लॉयमेंट, कर्मचारी, एंड स्लम, गंदा, एकोमोडेशन, रहने का स्थान, यानी कि रहने का गंदे से गंदा स्थान भी उसके लिए ठीक है, उसमें भी वो संतुष्ट रह लेगा निग्रो। इट इज ट्रू, और ये सही है, दैट हियर एंड देयर वन सीज, यहाँ वहाँ कोई भी देख सकता है निग्रो एज डॉक्टर्स, अगर निग्रो को डॉक्टर के रूप में, लॉयर, वकील के रूप में, और टैलेंटेड एंटरटेनर, बट दे आर सम हाउ, लेकिन अगर वो है तो वो किसी न किसी प्रकार से कंसिडर्ड, विचार किए जाते हैं, डिफरेंट, थोड़ा अलग, एंड नॉट टू बी कन्फ्यूज विद द मास, लेकिन मास जो है उनसे भ्रमित नहीं होती है कि वो उनको अपने जैसा मान लें। आई एम ए निग्रो, मैं एक निग्रो हूँ, एंड वॉट हैड हैपन टू मी दैट इंटरव्यू, एट दैट इंटरव्यू कॉन्स्टिट्यूटेड, जब वो इंटरव्यू हुआ तो मेरे साथ क्या हुआ, टू माई माइंड, मेरे दिमाग पर, ए बिट्रेयल ऑफ फेथ, एक विश्वास का टूटना, विश्वासघात, आई हैड बिलीव्ड, मेरे को विश्वास था इन फ्रीडम, आज़ादी में, इन द फ्रीडम टू लीव, इन द काइंड ऑफ ड्वेलिंग, कहीं पर भी रहने का, आई वॉन्टेड, जहाँ इच्छा हो ड्वेल करना, निवास करना, प्रोवाइडिंग आई वॉज एबल एंड विलिंग टू पे, अगर मैं भुगतान कर सकता हूँ तो मेरे को रहने की आज़ादी है, पे द प्राइस, कीमत, एंड इन द फ्रीडम टू वर्क, और काम करने में भी आज़ादी, एट द काइंड ऑफ प्रोफेशन, जिस प्रकार का व्यवसाय हो, फॉर विच आई वॉज क्वालिफाइड, जिसके लिए मैं योग्य हूँ, विदाउट रेफरेंस टू माई रेशियल और रिलीजियस ओरिजन, कि बिना मैं अपनी नस्ल या धार्मिक मूल रूप से पहचान का रेफरेंस किए संदर्भ बताए, मैं आज़ाद हूँ, ऐसा मेरा विश्वास था, फेद था। ऑल दी बिग टॉक, ये सारी जो बड़ी बड़ी बातें हैं ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की, एंड ह्यूमन राइट्स, मानवीय अधिकारों की, सिम्ड प्रतीत हुई एज स्प्यूरियस, उतनी ही झूठी, एज द ग्लिब, जितनी की चिकनी चुपड़ी, झूठी मीठी मीठी बातें है ना, कौन कहता है, गारंटीज, गारंटी देता है, विद विच सम मैन्युफैक्चरर्स, कुछ उत्पादन करने वाले लोग अंडरराइट नीचे लिख करके देयर प्रोडक्ट, उनके उत्पाद के जो वस्तु और निर्माण करते हैं तो उसके नीचे लिख देते हैं, इन द कॉन्फिडेंट होप, इस आशा में दैट दे विल नेवर बी चैलेंज, ताकि कोई उनको कभी चुनौती नहीं दे सकेगा, द ब्रिटन एट होम टैक्स नो रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो घरेलू जो है या देश के जो ब्रिटन है, नागरिक है, वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं फॉर द प्रोटेस्टेशंस, उन विरोधों की, उन दावों की, उन घोषणाओं की, एंड प्रोमिसेज, वादों की, मेड जो किए जाते हैं इन हिज नेम, उनके नाम पर, ब्रिटेन के नाम पर, बाय ब्रिटिश ऑफिशियल, ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा, ओवरसीज, समुद्र से परे, यानी कि देशों को, दूसरे देशों के सामने जब ये ब्रिटिश अधिकारी दावे करते हैं, प्रोक्लेम करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं बोल बोल करके कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, तो इन सबको वो नागरिक जो है वो उसको नहीं मानते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं मानते कि हम उनको निभाएं। आई रिफ्लेक्टेड, मैं मंथन करता हूँ, चिंतन करता हूँ ऑन माई लाइफ, मेरे जीवन पर, इन द USA, जब मैं USA में था, संयुक्त राज्य अमेरिका, देयर, वहाँ, वेन प्रिजुडिस इज फेल्ट, जब पूर्वाग्रह महसूस होता, क्या होता है, इट इज ओपन ऑब्वियस, तो ये स्पष्ट है, खुला है, ब्लेटेंट, एकदम खुल्लम खुल्ला है, द वाइट मैन मेक्स हिज पोजिशन वेरी क्लियर, तो जो गोरे लोग हैं वो उनका स्थान बिल्कुल स्पष्ट प्राप्त करते हैं,
एंड द ब्लैक मैन फाइट्स, और जब गोरे लोग स्थान प्राप्त कर लेते हैं उनका, तो फिर काले लोग क्या करते हैं, फाइट करते हैं दो प्रिजुडिसेस उन पूर्वाग्रहों के खिलाफ विद इक्वल, वैसे ही ओपननेस, खुलेपन से एंड फॉरवर उतनी तीव्रता के साथ, जोश के साथ, यूजिंग एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस उतना ही संवैधानिक उपक्रम के साथ अवेलेबल टू हिम, जो उसके पास उपलब्ध होता है। यानी कि अगर किसी को भी लगता है तो गोरे लोग भी विरोध करके अपनी स्थिति प्राप्त कर लेते हैं और काले लोग भी उतनी ही तरीके से विरोध करके अपनी स्थिति सुधारते हैं। द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी का जो संसार है इन जनरल आमतौर पर, एंड ब्रिटेन, जो ब्रिटेन देश है, इन पर्टिकुलर आर प्रोन, उनका क्या विशेष तौर से जो झुकाव है टू पॉइंट, केवल पॉइंट करने में, एंड एंग्रिली, क्रोध करके, गुस्सा करके, विरोध जताने में, क्रिटिकल फिंगर, आलोचनात्मक उंगली उठाने में, एट अमेरिकन इंटॉलरेंस, कि अमेरिका में असहिष्णुता है, ये काम करते हैं। फॉरगेटिंग, जबकि भूल जाते हैं, दैट इन इट्स शॉर्ट हिस्ट्री, कि अमेरिका के छोटे से इतिहास में एज ए नेशन, एक देश के रूप में, इट हैज ग्रांटेड, इसने स्वीकार किया है टू इट्स निग्रो सिटीजन्स, इसके निग्रो नागरिकों को मोर अपॉर्चुनिटीज, बहुत अधिक मात्रा में अवसर देते हुए, फॉर एडवांसमेंट एंड बेटरमेंट, ताकि वो उन्नति कर सके, एडवांस हो सके, आगे बढ़ सके एंड बेहतरी कर सके, पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति, देन एनी अदर नेशन इन द वर्ल्ड, जबकि संसार के दूसरे किसी भी अन्य देश की तुलना में, विद एन इंडिजिनस निग्रो पॉपुलेशन, जहाँ की इंडिजिनस जो मूल है, निग्रो मूल प्रजाति जो है निग्रो के लोग की आबादी वहाँ रहती हो, उनकी तुलना में। ईच वॉयलेंट एपिसोड, प्रत्येक जो हिंसक अगर कोई घटना हुई है, दाउ ग्रेटली, चाहे वो कितनी ही टू बी डिप्लॉर्ड, उसकी निंदा की जाए, हैज इनवेरिएबली प्रीसीडेड, जो पहले हो चुकी है वो नहीं बदलने वाली, इनवेरिएबली है, सम चेंज, कुछ परिवर्तन, सम इम्प्रूवमेंट, कुछ सुधार, इन द अमेरिकन निग्रो, उस अमेरिका के रहने वाले निग्रो लोगों में हुआ है पोजिशन में उनकी वजह से। द थिंग्स दे हैव वॉन्टेड, जो चीज़ें वे चाहते थे, वर इम्पोर्टेंट इनफ फॉर देम टू फाइट एंड डाई, तो उसके लिए वो फाइट करो और मरो, यानी कि संघर्ष करो और चाहे उसके लिए मरना पड़े, फॉर एंड दोज, और वे लोग हु डाइड, जो मर गए संघर्ष करते हुए, डिड नॉट गिव देयर लाइव्स इन वेन, उन्होंने अपना जीवन व्यर्थ में नहीं दिया। फर्दर मोर, इससे कहीं अधिक, अमेरिकन निग्रोज, अमेरिका के जो निग्रो लोग हैं, हैव बीन जनरली एस्टेब्लिश्ड इन कम्युनिटीज, अपने आप को उन्होंने समुदायों में स्थापित किया, एस्टेब्लिश किया, इन विच देयर एबिलिटीज एज लेबरर, जिसमें उनकी जो योग्यताएं हैं, जैसे लेबरर के रूप में, श्रमिक के रूप में, आर्टिजन, कलाकार, कारीगर, डॉक्टर, लॉयर, वकील, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, एजुकेटर, शैक्षिक कर्मचारी जो शिक्षा देता हो, एंड इंटरटेनर, मनोरंजन करता, कलाकार, हीरो, ऐसे, तो हैव बीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, और बेनिफिट, उनको फ़ायदा हुआ है टू दैट कम्युनिटी, उस समुदाय को हुआ है, इन टर्म्स ऑफ सोशल एंड रिलीजियस इंटरकोर्स, और अगर सामाजिक और धार्मिक मेल मिलाप इंटरकोर्स की बात करें, दे हैव बीन लार्जली इंडिपेंडेंट, तो वे बहुत अधिक मात्रा में इंडिपेंडेंट हैं, आत्मनिर्भर हैं, ऑफ वाइट पीपल, गोरे लोगों की तुलना में। इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में आई फाउंड थिंग्स टू बी वेरी डिफरेंट, यहाँ पर चीज़ें, हालात जो है बिल्कुल ही अलग हैं। आई हैव येट टू मीट ए सिंगल इंग्लिश पर्सन, मेरे को तो अभी भी एक आदमी से मिलना बाकी, यानी कि एक भी नहीं मिला ऐसा व्यक्ति, हु हैज एक्चुअली एडमिटेड टू एंटी निग्रो प्रिजुडिस, जिसने वास्तव में किसी निग्रो विरोधी का, उसने पूर्वाग्रह का माना हो कि यहाँ पर कोई होता ही नहीं है, निग्रो का कोई विरोधी नहीं है, उनके प्रति कोई प्रिजुडिस नहीं है, पूर्व धारणा मन में नहीं है। इट इज़ इवन जनरली, ये तो आम तौर पर बिलीव, विश्वास किया जाता है, दैट नो सच थिंग्स एग्जिस्ट हियर, कि ऐसी निग्रो लोगों के खिलाफ ऐसी कोई मान्यता या विचार तक यहाँ पर नहीं है। ए निग्रो इज़ फ्री, एक निग्रो मुक्त है, आज़ाद है टू बोर्ड एनी बस, किसी भी बस में और ट्रेन में वो सवार हो सकता है, बोर्ड हो सकता है, एंड सिट एनीवेयर, कहीं पर बैठ सकता है, प्रोवाइडेड ही हैज पेड, अगर उसने भुगतान किया हो, एंड अप्रोप्रिएट फेयर, उचित किराया दिया हो, फेयर दिया हो। द फैक्ट दैट, और तथ्य क्या है, सच्चाई क्या है, दैट मैनी पीपल माइट पॉइंटेडली अवॉइड, बहुत सारे लोग विशेष तौर से जानबूझ करके अवॉइड करते हैं,
सिटिंग नियर हिम, उसके पास बैठने से, सिटिंग नियर हिम निग्रो के पास, और इज कैजुअली ओवरलुक्ड, और ऐसे कैजुअली ओवरलुक, जैसे ध्यान ही नहीं हो, ओवरलुक करना है ना, अनजान बंदा. ही इज फ्री टू सीक एकोमोडेशन, वो रहने का स्थान जो है ढूंढ सकता है, फ्री है, इन एनी लाइसेंस्ड होटल, किसी भी होटल में और बोर्डिंग हाउस या किसी बोर्डिंग हाउस में. दी कर्टियस रिफ्यूजल, लेकिन होता क्या है, बड़े ही शिष्टाचारपूर्ण ढंग से रिफ्यूजल इनकार किया जाता है, विच फ्रिक्वेंटली, जो कि बार बार फॉलोज होता है, इज नेवर एस्क्राइब, ये नहीं कहा जा सकता टू प्रिजुडिस कि ये प्रिजुडिस है. द बिट्रेयल विश्वासघात आई नाउ फेल्ड, अब मेरे महसूस हो गया है, वॉज ग्रेटर, जो कहीं अधिक ज़्यादा है, बिकॉज, क्योंकि इट हैड बीन परपिट्रेटेड, क्योंकि ये पीड़ित कर रहा है, धोखा दे रहा है, विद द ग्रेटेस्ट ऑफ चार्म एंड कर्टसी, बड़े ही आकर्षक और शिष्टाचार, सर्वाधिक शिष्टाचार के अंदर के धोखे में. आई रियलाइज, मैंने महसूस किया एट दैट मोमेंट, उस क्षण, दैट आई वॉज ब्रिटिश, कि मैं ब्रिटिश था, बट एविडेंटली, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से, सबूत के तौर पर, नॉट ए ब्रिटन, ब्रिटन नहीं था. एंड दैट फाइन डिफ्रेंशिएशन, और इतना अच्छा भेद, अंतर, डिफ्रेंशिएशन वॉज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अब बहुत ही महत्वपूर्ण है. आई वुड नीड टू री एग्जामिन, मेरे को आवश्यकता होगी वापस पुनः जाँच करने की, माई सेल्फ, मेरे स्वयं की, एंड माई होल फ्यूचर, मेरे पूरे भविष्य की, इन टर्म्स ऑफ दिस न्यू अप्रेजल, इस नए मूल्यांकन में. ई आर ब्रेथवेट अडेप्टेड लिया गया है फ्रॉम टू सर्व विद लव. अबाउट द ऑथर, एडवर्ड रिकार्डो ब्रेथवेट, बॉर्न 1922, इज ए गुयानीज नॉवेलिस्ट, राइटर, टीचर एंड डिप्लोमेट, कूटनीतिज्ञ, बेस्ट नोन, जो जाने जाते हैं, फॉर हिज स्टोरीज ऑफ सोशल कंडीशंस एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक स्थितियां, दशाएं, और रेशियल, नस्लीय, जातीय डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव अगेंस्ट ब्लैक पीपल, काले लोगों के विपरीत, विरुद्ध. ब्रेथवेट वॉज फर्स्ट एजुकेटेड एट क्वींस कॉलेज गुयाना एंड देन द सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क 1940. ही वेंट ऑन टू अटेंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज 1949, फ्रॉम विच ही अर्न एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री, वहाँ से उन्होंने स्नातक की डिग्री अर्न की, एंड एन डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है इन फिजिक्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड. ही जॉइंड द रॉयल एयरफोर्स एज ए पायलट आफ्टर द वार, युद्ध के बाद, सेकेंड युद्ध के बाद, विश्व युद्ध के बाद. लाइक मैनी अदर एथनिक माइनॉरिटीज, जो एथेंस देश के अल्पसंख्यक लोग थे, जैसे बहुत सारे, डिस्पाइट हिज एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, उनकी गहन ट्रेनिंग के बावजूद, ब्रेथवेट कुड नॉट फाइंड वर्क, उनको काम नहीं मिल सका इन हिज फील्ड, उनके क्षेत्र में, एंड डिसइल्यूजन, और भ्रमित किया गया, रिलक्टेंटली, नहीं चाहते हुए, टुक अप ए जॉब, फिर उन्होंने काम लिया एज ए स्कूल टीचर, फिर उन्होंने स्कूल टीचर बनने का काम किया इन द ईस्ट एंड ऑफ लंदन. द बुक, किताब जो है, जिसका नाम है टू सर विद लव 1959, वॉज बेस्ट ऑन हिज एक्सपीरियंसेस देयर, ये उनके अनुभवों पर आधारित थी. ब्रेथवेट्स न्यूमरस राइटिंग्स, उन्होंने असंख्य लेख लिखे हैं, हैव प्राइमरीली, जो कि शुरुआती है, डेल्ट विद द डिफिकल्टीज ऑफ बीइंग एन एजुकेटेड मैन, कि एक शिक्षित आदमी होने में क्या कठिनाइयाँ होती है, ए ब्लैक सोशल वर्कर, ए ब्लैक टीचर, एंड सिंपली ए ह्यूमन बीइंग इन ह्यूमन सर्कमस्टांसेस, कि अमानवीय परिस्थितियों के बीच में एक सामान्य इंसान होना. ये इतनी सारी उनकी राइटिंग से लेख लिखे उन्होंने. अबाउट द टेक्स्ट इस पाठ में, द एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम ई आर ब्रेथवेट्स ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल टू सर विद लव. इट डील्स विद हिज डिसइल्यूजनमेंट, इसमें उनका भ्रम टूटता है, इल्यूजन तो भ्रम होता है, और डिसइल्यूजनमेंट, भ्रम का टूटना, विद द ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ,
उनका जो तरीका था, उनका जो विश्वास था कि ब्रिटिश तरीके से जीवन जीना, विच ही फाइंड्स फुल ऑफ हिपोक्रेसी, जो बाद में उनको लगता है कि ये एक तरह से पाखंड है एंड डिसेप्शन, धोखा है. ही फेल्ट डिसीव्ड, उनको ऐसा लगता है जैसे उनके साथ डिसीव हुआ है, धोखा हुआ है, एंड डिसइल्यूजेंट, भ्रमित किया गया है. एंड रोट अबाउट द मिसलीडिंग ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ, कि ब्रिटिश जीवन का जो तरीका है वो मिसलीड करता है, गलत दिखाता है. देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, अंतर है, बिटवीन वॉट द इंग्लिश पीपल से एंड डू, कि अंग्रेज लोग बोलते क्या हैं और करते क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है. दे से, वे कहते हैं दैट दे डू नॉट मेक डिफरेंस बिटवीन द वाइट एंड द ब्लैक, एंड दैट द ब्रिटन्स एंड द निग्रोज इन्जॉय इक्वल राइट्स ऑफ लिविंग, कि निग्रो लोग और ब्रिटन लोगों के समान अधिकार हैं, राइट्स हैं. बट ब्रेथवेट फील्स, लेकिन ब्रेथवेट जो है महसूस करता है दैट सच हाई साउंडिंग वर्ड्स, कि ऐसी जो ऊँचे ऊँचे सुनने वाले शब्द जो हैं, आर ए पार्ट ऑफ पॉलिश्ड पॉलिसी, ये उनकी चमकीली नीति है दिखाने की, टू बी फूल, ताकि वो फूल बना सके, बेवकूफ़ बना सके द निग्रो पॉपुलेशन इन ब्रिटेन. ही पॉइंट्स आउट दैट इन ब्रिटेन देर आर एब्यूसिव टर्म्स, कि वो एक बहुत ही गालीनुमा जो तरीके हैं, सच है जैसे कि डार्की, निगर और ब्लैक यूज्ड टू एड्रेस ए निग्रो, एक निग्रो को आवाज़ देने के लिए ऐसे शब्द काम में लेते हैं, गालीनुमा. ही सेटायरिकली कमेंट, इसलिए वो व्यंग्यात्मक रूप से टिप्पणी करते हैं. यस, हाँ, इट इज़ वंडरफुल, ये बड़ा आश्चर्यजनक है टू बी ब्रिटिश, ब्रिटिश होना. अनटिल कब तक वन कम्स टू ब्रिटेन, जब तक कि कोई ब्रिटेन नहीं आ जाता.